ये हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने कमलनाथ सरकार द्वारा किए जा रहे तबादलों पर सवाल उठाए हैं। सारंग ने कमलनाथ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एक के बाद एक तबादले किए जा रहे हैं, जिससे कानून व्यवस्था चरमरा गई है। साथ ही उन्होंने पैसे देकर तबादले करने का आरोप लगाया है। सारंग ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस अपने वादे निभाने में असफल साबित हुई है। तबादला उद्योग भी कितना जबरदस्त प्लानिंग से, पहले तबादला कराओ उसके भी मिलेंगे, और तबादला निरस्त कराओ उसके भी मिलेंगे, आम के आम और गुठलियों के दाम। जब ऐसा कुछ होगा असंतोष तो होगा ही होगा। सर, बसपा के विधायक है रामबाई और निर्दलीय विधायक है शेरा, वो भी खुद सरकार से नाराज चल रहे हैं। एक तरफ उनको एक को मंत्री नहीं बनाया गया है, तो दूसरे को तवज्जो नहीं दी जा रही है। मुझे लगता है कि जो भी वादे किए गए हैं वो वादे पूरे होने चाहिए। यदि आप वादा करते तो सर, हम तो हम सरकार में कहा हमने आप करते तो सर यदि हमने तो जोड़ तोड़ की राजनीति करनी नहीं थी ना, इसीलिए तो हमने सरकार का क्लेम नहीं किया। हम यदि क्लेम करते तो सभी को साथ लेके चलते। हमने तो कहा कि हम तो ताकत की सरकार बनाएंगे, यदि हमारे पास आंकड़ा नहीं है तो हमने खुद ने ऑफर दिया कि आप सरकार बना लीजिए। पर जोड़ तोड़ करने के समय कथनी अलग और करनी अलग, तो असंतोष तो होगा ही होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना